रामगढ़ में एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी के जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। इसी को लेकर बीजेपी झारखंड की ओर फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा गया है, रामगढ़ उपचुनाव तो झांकी है, 2024 अभी बाकी है। जारी तस्वीर में विक्ट्री साइन के साथ आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, भानु प्रताप शाही, नवीन जायसवाल सहित कई अन्य बीजेपी नेता मौजूद हैं। बता दें कि रामगढ़ को सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का गढ़ माना जाता है। जीत के बाद आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा, यह चुनाव सिर्फ उम्मीदवारों के बीच नहीं था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इस चुनाव में जमकर प्रचार किया। हेमंत की सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है, जैसे जैसे समय बीतेगा इनका रंग उतरता जाएगा। बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो वह ऊंची नहीं होगी, यह 2024 के जीत की तरफ इशारा कर रही है। राज्य में अराजकता की स्थिति है, जनता ने मौजूदा सरकार को जवाब दिया है। मैं इस उपचुनाव में जीत के लिए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को ढेरों शुभकामनाएं देता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।